नमस्कार, मैं डॉक्टर भुवनेश्वर पांडे और डाबर परिवार की तरफ से आप सभी का आज के इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ ही आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। इस पीरियड में, इस पेंडेमिक सिचुएशन में आप लोगों ने जो ह्यूमैनिटी के लिए जितने भी कदम उठा रखे हैं उसके लिए मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। सो आज का जैसे भी टॉपिक आप सबको पता है कि आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो इसके लिए मैं अपने आज के पैनलिस्ट और आज के हमारे प्रेजेंटेटर्स को इनवाइट करूँ। बिफोर दैट मैं आपके सम्मुख इस बीमारी की गहनता के लिए थोड़ा सा संक्षिप्त बातें रखना चाहूँगा कि आप क्या होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्या क्या इसके प्रॉब्लम्स है। ये हम सभी जानते हैं एज ए आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स, ये एक बड़ा चैलेंजिंग है नॉट ओनली हमारे लिए बल्कि सभी के लिए, क्योंकि एक इडियोपैथिक डिजीज यानी क्रॉनिक इंटरमीटेड डिजीज जो कि आपके कोलन और रेक्टम में होती है और जो आपके पास पेशेंट हमारे पास आते हैं जो सिम्टम्स हैं एब्डोमिनल पेन होना, डायरिया होना, स्पेशली डायरिया जो कि आपके साथ ब्लड के साथ मिक्सअप डायरिया से हम कहें, वेट लॉस होना और भी जितनी भी कंडीशन है, फीवर, ये सब चीज़ें, साथ ही जो पेशेंट हमें बताते भी हैं डेली लाइफ में कि उसको जो रेक्टेटिनिमस है या अर्जेंट डिजायर होती है बॉल्स को इवैक्यूएट करने के बाद, उसके बाद बहुत कम इससे मैं बाउंड का बाहर आ। सो एक बीमारी जिसका आयुर्वेदा में एक अच्छा मैनेजमेंट है और कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात करने के लिए मैं आज के अपने पैनलिस्ट को बुलाना चाहूँगा, तो उनके बारे में बताना चाहूँगा। डॉक्टर राहुल गुप्ता जी के बारे में, ये MD आयुर्वेदा और सीनियर आयुर्वेदिक फिजिशियन है हमारे हल्द्वानी शहर से बिलोंग करते हैं, साथ ही प्रैक्टिस भी करते हैं, एक अच्छी प्रैक्टिस करते हैं हल्द्वानी शहर में, और साथ ही उन्होंने काफ़ी सक्सेसफुल केसेस फॉर द अल्सरेटिव कोलाइटिस के हैंडल किए हैं, टैकल किए हैं और काफ़ी सक्सेसफुल स्टोरीज हैं उनके पास, जिसमें से एक या दो सक्सेसफुल स्टोरीज आज हमारे सम्मुख को शेयर भी करेंगे। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हैं, मैं स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर राहुल गुप्ता का। डॉक्टर राहुल गुप्ता प्लीज़। आज का मेरा टॉपिक है सक्सेसफुल आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूंगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस इज अ इन्फ्लेमेटरी बाउल्स डिजीज। इसमें एक्चुअली क्या रहता है कि जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का मेनली जो रेक्टम है वो अफेक्ट रहता है, और इंडिया में अल्सरेटिव कोलाइटिस के केसेस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। इसमें जो कॉमन एज ग्रुप रहता है जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस देखने को मिलता है वो 15 से 30 का रहता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट देखने को मिलते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा एलोपैथी काउंटर पार्ट इसका डिस्कस कर लेते हैं। एलोपैथी के अकॉर्डिंग 25% इसका जो कॉज रहता है हेरिडिटरी रहता है, और इसमें इसके अलग अलग टाइप्स रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एरिया ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन अफेक्टेड। तो इसमें एलोपैथिक मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग 5 टाइप इसके कर रखे हैं। अल्सरेटिव प्रोक्टाइटिस है, दूसरा है प्रोक्टोसिग्मोइडाइटिस, तीसरा लेफ्ट साइड कोलाइटिस, पेनकोलाइटिस, एक्यूट सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसमें लोकेशन प्लस सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ये सब डिफ्रेंशिएशन रहता है। प्रोक्टाइटिस में जहाँ सिर्फ रेक्टम इन्वॉल्व रहता है, आप देखेंगे कि ये इमेजेस में ये फर्स्ट वाली जो इमेज है ये प्रोक्टाइटिस की है। सेकंड प्रोक्टोसिग्मोइडाइटिस में रेक्टम के साथ में थोड़ा सा डिसेंडिंग कोलोन का ये पार्ट भी इन्वॉल्व रहता है। थर्ड जो इसमें रहता है वो लेफ्ट साइड कोलाइटिस है, इसमें देखिए पूरा लेफ्ट साइड का इन्वॉल्वमेंट पूरा रहता है इसमें। नेक्स्ट है पेनकोलाइटिस। पेनकोलाइटिस में लगभग लार्ज इंटेस्टाइन के सारे पार्ट इन्वॉल्व रहते हैं, और लास्ट इसका क्लासिफिकेशन रहता है वो है एक्यूट सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस जनरली एक जो डिजीज है नॉन एक्यूट डिजीज रहता है, लेकिन कोई कोई पेशेंट इसमें एक्यूट फेज में भी मिलते हैं। अब इसके थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के बारे में आ जाते हैं। इसका जो कॉज एलोपैथिक साइंस में बताया जाता है, जैसे कि बाकी डिजीज का भी उसमें बताया जाता है। जो डॉक्टर राहुल, शायद आपकी वॉइस थोड़ा धीमे आ रही है, प्लीज अगर थोड़ा सा साउंड रखना या आपके उससे तेज करें, क्योंकि हेलो कुछ लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि वॉइस इज नॉट क्लियर। जी
इसमें जो बेसिकली इसके कॉज मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग बताए गए हैं, उसमें मोस्टली जो 80% डिजीजेस रहती है मॉडर्न साइंस की, वो अभी रिसर्च फेज में है. इसका मतलब उनको कॉज का नॉलेज नहीं रहता है, इसीलिए उनको इडियोपैथिक टर्म दिया जाता है. मतलब इडियोपैथिक टर्म आप समझ सकते हैं, इडियट एंड इडियोपैथिक वो सेम टर्म है. इसका मतलब कोई प्रॉपर कॉज मॉडर्न साइंस के पास नहीं है. कुछ एक थ्योरीज ये बताती हैं कि आपका जो इम्यून सिस्टम है कभी कभार उसमें माल फंक्शनिंग हो जाता है. मतलब कि आपका जो इम्यून सिस्टम है बॉडी की ही सेल्स को वो फॉरेन सेल्स समझ के उस पर अटैक करते हैं, और उसकी वजह से जो जो लार्ज इंटेस्टाइन की सेल्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करने लगते हैं. तो इस वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है. सिम्टम्स में जहाँ तक हम देखें उसमें पेशेंट को ब्लडी स्टूल्स मिल सकते हैं, लूज स्टूल रहता है पेशेंट का, कभी कभी पस भी आता है पेशेंट में, टिनिसमस रहता है. टिनिसमस का मतलब है कि मोशन करने के बाद भी पेशेंट को लगता है कि उसको दोबारा मोशन जाना है. किसी किसी स्टेज में जब कोई एक्यूट कंडीशन रहती है तो उस टाइम पे फीवर भी पेशेंट नोटिस करता है, साथ में रेक्टल अर्जेंसी भी रहती है इसमें. अब मॉडर्न साइंस का जो ट्रीटमेंट आस्पेक्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं. इसमें अभी तक कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट कॉज अवेलेबल नहीं है मॉडर्न साइंस के पास. इसमें जनरली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है. अगर इन्फेक्शन है तो उसमें एंटीबायोटिक दी जाती है. इन्फेक्शन और सीवियर है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह भी दिए जाते हैं. कुछ एक केसेस में इम्यूनोसप्रेसेंट भी मॉडर्न साइंस में दिए जाते हैं पेशेंट को, ताकि जो इम्यून सिस्टम माल फंक्शनिंग उनके अकॉर्डिंग है उसमें इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके प्लेयर्स को कम किया जा सके अल्सरेटिव कोलाइटिस के. और जैसे कि मॉडर्न साइंस में आपने आपको पता है कि इसका प्रोग्नोसिस जो है बहुत पुअर है, और 10% जो पेशेंट्स हैं वो कॉम्प्लिकेट कर जाते हैं. कॉम्प्लिकेशन एज इफ दे द कंडीशन कैन कॉम्प्लिकेट इनटू द सर्जरी. सर्जरी भी हो सकता है उसमें, और पेशेंट को कैंसर फॉर्मिंग कंडीशन भी हो जाती है इसमें. तो ये मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग इस डिजीज का जो प्रोग्नोसिस है बहुत ज़्यादा पुअर रहता है. अब हम थोड़ा सा आयुर्वेदिक प्रोस्पेक्टिव के बारे में आएंगे. आयुर्वेद में देखिए लक्षणों के आधार पर चिकित्सा होती है. अल्सरेटिव कोलाइटिस को किसी एक डिजीज या एक टर्म के अंडर नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. तो कुछ एक जो कंडीशंस हैं जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस को रखा जा सकता है, उसमें पहला है रक्तज प्रवाहिका, सेकंड है रक्तज अतिसार, थर्ड है पित्तज ग्रहणी, और नेक्स्ट है संग्रहणी. इन सब टर्म से आप सब वाकिफ होंगे. तो सिम्टम के अकॉर्डिंग पेशेंट को आपको जैसे प्री डायग्नोस पेशेंट अल्सरेटिव कोलाइटिस का आता है, तो आपको अपने पैथी के अकॉर्डिंग, अपने आयुर्वेद के अकॉर्डिंग उसको अपने अकॉर्डिंग उसको डायग्नोस करके फिर अपने ग्रंथ में या अपने टेक्स्ट में जो डिजीजेस मेंशन है उसके एक ढांचे में रखना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए. अब आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अल्सरेटिव कोलाइटिस के कॉज क्या क्या हैं ये अब डिस्कस कर लेते हैं. बेसिकली जैसे आपको पता है कि जो हमारा शरीर है, हमारी जो काय है, वो उसको त्रय उपस्तंभ धारण करते हैं, या जो तीन उपस्तंभ हैं उन पे वो शरीर हमारा धारण रहता है, जिसमें पहला है आहार, दूसरा निद्रा, तीसरा ब्रह्मचर्य है. पहला फैक्टर जो है या पहला स्तंभ जो आहार है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इसमें, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है अन्नवाह स्रोतस की व्याधि है, और जैसा कि ग्रंथों में मेंशन है कि जो स्रोतस या जिन स्रोतस में जो भी द्रव्य आते हैं या उनसे जाते हैं या उनसे पास होते हैं, उन्हीं द्रव्यों के कंडीशन या हेल्थ पे डिपेंड रहता है, उस स्रोतस की हेल्थ डिपेंडेंट रहती है. कि अन्न वह स्रोतस है तो जिस प्रकार का अन्न आप खाएंगे उस अन्न पे डिपेंड करेगा कि उस स्रोतस की हेल्थ प्रॉपर रहे या उस स्रोतस में किसी न किसी तरीके की व्याधि डिपेंड करे. तो उसमें सबसे पहला आहार फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है. आहार में हम देख सकते हैं कि जैसे पहला फैक्टर है स्टेल फूड या बासी आहार जो रहता है.
लगभग लगभग 99% घरों में बासी आहार खाया जाता है। अगर आपको लगता है कि आप फ्रेश बनाते हैं, फ्रेश खाते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं घरों में आटा जो है उसको गूंथ के फ्रिज के अंदर रख दिया जाता है, क्योंकि आजकल की फास्ट लाइफ में फ्रेश आटा गूंथने का टाइम किसी के पास नहीं रहता है। तो अगर आटा आप गूंथ के फ्रिज में भी रख रहे हैं तो खाना उससे जो बनता है, जो रोटी बनती है, वो बासी हो जाती है। तो बासी आहार इसके पीछे एक पॉजिटिव फैक्टर रहता है। दूसरा फैक्टर इसमें है कि अनकुक फूड, आजकल थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन का जमाना चल गया है, इसमें लोग जो है वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा एक्सेप्ट करने लगे हैं। उसमें लोग कुक्ड फूड की जगह सैलेड अपना डाइट में डालने लगे हैं, या फिर एक्सेसिव इनटेक ऑफ फ्रूट्स वगैरह होता है, तो अनकुक्ड फूड भी इसके पीछे एक फैक्टर रहता है। तीसरा है कि टाइमिंग्स प्रॉपर ना होना खाने की। अगर आप अच्छा खाना खाते हैं लेकिन टाइमिंग प्रॉपर नहीं है तो भी वो ये कंडीशन या ये दिक्कत पैदा कर सकता है। बुफे सिस्टम आजकल हो गया, आपने देखा होगा कि शादियों में या बाकी जगहों में लोग खड़े होकर खाना खाते हैं। कभी कभी घर पे भी अगर किसी को कुछ काम है या फिर थोड़ा सा जल्दीबाजी है तो खाने का जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो खड़े होके जो लोग खाते हैं, ये जो बुफे सिस्टम है, ये भी इसके पीछे एक कारण है। एक बहुत ज़रूरी कारण नेक्स्ट है कि मेंटल फैक्टर्स। खाने की टेबल पे खाना रखा है, और क्योंकि आयुर्वेद में देखिए बताया गया है कि खाना जो है तन मनो भुंजीत बताया गया है, मतलब आपका पूरा का पूरा जो फोकस है वो खाने पे होना चाहिए। खाने के समय अगर आपको टीवी देख रहे हैं, आपका मन टीवी पे लगा है, या फिर आपको किसी बात पे क्रोध आता है और उस टाइम पे आप खाना खा रहे हैं, तो वो जो खाना है वो निर्जीव हो जाता है एक तरीके से। मतलब उसमें जो जीव है या उस खाने की जो आत्मा है वो नष्ट हो जाती है। तो ऐसा खाना जो है शरीर में जाके अपने गुणों की वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे रोगों को उत्पाद को पैदा करता है। कुछ एक वेजिटेबल्स हैं जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, आज कल थोड़ा सा आपको देखा जाता है कि पहले के काल में जो वेजिटेबल्स होती थी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सिर्फ जाड़ों में या सर्दियों में मिलती थी, लेकिन आजकल अब साल भर वो अवेलेबल रहती हैं। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नुकसान क्यों करती हैं, क्योंकि देखिए उसका मेन कारण है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं द्रव पित्त बढ़ाती हैं। आपने देखा होगा कि जब आप जो डॉक्टर्स या वैद्य कुकिंग करते हैं, देखा होगा आपने जब आप पत्ते वाली कोई सब्जी कढ़ाई में डालते हैं या कुक करते हैं तो उसमें से पानी निकलता है, और वो एक्चुअल पानी नहीं रहता है, वो द्रव पित्त रहता है। तो पित्त गुण जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस का एक बहुत बड़ा कॉजिटिव दोष है। इस वजह से ग्रीन लीफी वेजिटेबल अगर आप एक्सेसिव इनटेक करते हैं, या जैसे मान लीजिए आपकी जाड़ों की ये सब्जी है क्योंकि ये उष्णता उत्पन्न करती है, अगर जाड़ों को छोड़ के दूसरे सीजन में आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेते हैं तो भी ये दिक्कत होती है। इसके अलावा कुछ एक फूड्स हैं जैसे चीज़ हो गया, ये विरुद्ध आहार में आता है। पैक्ड फूड हो गया, पैक्ड फूड भी एक तरीके से बासी आहार या स्टेल फूड होता है, तो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। इसमें दूसरा उपस्तंभ अब आता है कि निद्रा विपर्य। इसमें देखिए बेसिकली अगर नेचर के अगेंस्ट जाके आप काम करेंगे, आयुर्वेद में देखिए निद्रा को घंटों में डिस्क्राइब नहीं किया गया है। रात सोने के लिए बनी है, दिन जागने के लिए बना है। तो आप भले ही अपनी नींद दिन में कंप्लीट कर रहे हो और रात में जाग रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी स्टेबल रहेगी। रात में जो 10 से 2 की निद्रा होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है शरीर के लिए, क्योंकि ये पित्त का काल रहता है। और क्योंकि आपको पता है कि पित्त जो है बहुत ही डिस्ट्रक्टिव डोज रहता है, बॉडी में जितने भी वेयर एंड टीयर रहते हैं उसको अगर बॉडी को नेचुरली पूरा करना है तो रात में 10 से 2 की नींद बहुत ज़रूरी रहती है। अगर आप 10 से 2 की नींद लेते हैं या 10 से 2 का नैप लेते हैं और 3 बजे उठ जाते हैं तो भी आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, लेकिन आजकल देखने को मिलता है कि लोग जो हैं सोना जो है 2 के बाद ही होता है किसी का, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। इसी तरह से अगर आप दिन में सोते हैं तो दिवा स्वाप होता है और उसकी वजह से भी दोषों में दुष्टि होती है या वात कफ का प्रकोप होता है,
और इसलिए निद्रा का भी सेकंड रोल इसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि ना हो तो ये निद्रा का जो काल है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तीसरा उपशम है इसमें ब्रह्मचर्य। इसमें देखिए एक्सेसिव इंडल्जेंस और एबनॉर्मल इंडल्जेंस ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज अगर होता है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस होने की संभावना रहती है। इसका देखिए मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ कि अपने पित्त के जो गुण हैं उसमें इशत स्निग्ध गुण पित्त का रहता है। जो इशत स्निग्ध गुण पित्त का रहता है वो पित्त को कंट्रोल करता है एक तरीके से। जो पित्त के जो क्रोसिव या दाहक एक्शन रहता है उसको इशत पित्त गुण इशत स्निग्ध गुण पित्त का जो है वो कंट्रोल होता है। और जो ये इशत स्निग्ध गुण आता है ये शुक्र धातु से आता है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, शुक्र का ज्यादा क्षय होगा तो पित्त का जो इशत स्निग्ध गुण जो है इसका वो कम हो जाता है। इसकी वजह से जो पित्त का जो रूक्ष या तीक्ष्ण गुण है वो बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं अल्सरेटिव कोलाइटिस तथा इसी तरीके की जो बीमारियां है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट इसमें जो फैक्टर रहता है वो स्ट्रेस फैक्टर रहता है। स्ट्रेस फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जो मॉडर्न साइंस भी मानती है, आयुर्वेद भी मानता है। इसमें देखिए मॉडर्न साइंस मानती है कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के फ्लेयर अप्स होते हैं पेशेंट के, वो जब पेशेंट स्ट्रेस कंडीशन में रहता है तो बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन रीज़न उनको नहीं पता है कि किस वजह से होता है। आयुर्वेद में इसका रीज़न है, स्ट्रेस जो है कहीं ना कहीं ब्रेन से रिलेटेड रहता है और ब्रेन को हम मज्जा तंतु मान सकते हैं क्योंकि जो ब्रेन में अंदर है वो मज्जा तंतु बोला जा सकता है या मज्जा से बुद्धि की या मस्तिष्क की निर्मिति होती है। और पित्त धरा कला जो बोली गई है सुश्रुत में उसका जो अधिष्ठान है वो ग्रहणी है और पित्त धरा कला और मज्जा धरा कला दोनों में रिलेशन रहता है। ये अगर आपको देखना है तो आपको ये दलहन टीका में देखना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जो ग्रहणी रहती है या जो हमारा डाइजेस्टिव इंजन है उसमें मज्जा की उत्पत्ति होती है और क्योंकि मज्जा के कुछ अवयव रहते हैं जैसे ब्रेन जो है वो मज्जा का अवयव है, हमारे नेत्र हैं ये मज्जा का अवयव है, तो कहीं ना कहीं अगर हमारी ग्रहणी या पित्तधरा कला दुष्ट होगी तो हमारी मज्जा दुष्ट होगी। मज्जा दुष्ट होगी तो इन जो ऑर्गन्स हैं इनकी जो वर्किंग टेंडेंसी है उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इस वजह से ही स्ट्रेस जो है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस को फ्लेयर अप भी करता है और प्रोलॉन्ग अगर स्ट्रेस है साथ में डाइटरी फैक्टर्स हैं तो आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट इसमें फैक्टर है एडिक्शन है। एडिक्शन या व्यसन किसी भी प्रकार का किसी भी कंडीशन के लिए बेनिफिशियल नहीं है तो वो भी एक फैक्टर है इसमें। नेक्स्ट इसमें फैक्टर है बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि स्किन डिजीज का। स्किन का अब कुछ एक लोगों को शंका होगी कि स्किन का अल्सरेटिव कोलाइटिस से क्या संबंध है, तो इसमें देखिए आपकी जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है जब शुक्र और शुनित का संयोग होता है तो जायगोट बनता है या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है उसमें बेसिकली तीन जर्म लेयर बताई गई हैं मॉडर्न साइंस में। उसमें तीन जर्म जो लेयर रहती हैं एंडोडर्म मेसोडर्म और एक्टोडर्म रहता है। इसमें जो एक्टोडर्म यानी सबसे बाहर वाली जर्म लेयर रहती है इससे आपकी स्किन बनती है और साथ में आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके कुछ ऑर्गन्स बनते हैं जिसमें ओरल कैविटी हो गया यानी स्टार्टिंग का जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का वो है ओरल कैविटी का रीजन बनता है एक्टोडर्म से और नीचे थोड़ा सा रेक्टम का जो एरिया है वो एक्टोडर्म से बनता है और साथ में स्किन भी इसी एक्टोडर्म से बनती है। तो हमारी परंपरा में ये मानना है कि स्किन की कोई भी कंडीशन अगर कॉम्प्लिकेट करती है तो उससे डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई भी कंडीशन जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है और अल्सरेटिव कोलाइटिस या डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई भी कंडीशन अगर कॉम्प्लिकेट करती है तो उससे स्किन डिजीज हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको शायद ही कहीं सुनने को मिले और आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप अगर देखेंगे अगर बहुत से अल्सरेटिव कोलाइटिस जो पेशेंट रहते हैं उनमें स्किन डिजीज की हिस्ट्री मिलती है। जनरली जो क्लिनिकल पिक्चर रहती है उसमें ये रहता है कि सर मुझे कुछ टाइम पहले स्किन की इशू था
मैंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया, अब वो मेरा पूरी तरीके से ठीक हो गया है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट से वो कंडीशन ठीक नहीं होती है, वो धातुगत हो जाती है, यानी और डीप सीडेड हो जाती है, फिर ये सब कॉम्प्लिकेशन उसको देखने को मिलते हैं। लेकिन एक मॉडर्न साइंस का डॉक्टर स्किन की कंडीशन को इस अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन से कोरिलेट नहीं कर सकता है, लेकिन क्योंकि हम वैद्य हैं, अगर पेशेंट आपके पास ये कंडीशन लेके आता है तो आपका ये फर्ज बनता है कि आपकी पूरी हिस्ट्री पेशेंट की ली जाए और कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंडीशन का कोरिलेशन ढूंढा जाए कि शास्त्र में ऐसा कुछ मेंशन है या कहीं कुछ ऐसा मेंशन है। अब इसमें देखिए हम पैथोजेनेसिस के बारे में आएंगे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस किस तरीके से, संप्राप्ति किस तरीके से होती है। आंत्र या इंटेस्टाइन जो रहती हैं, बड़ी आंत जो कहते हैं हम, उसकी उत्पत्ति जो है आयुर्वेद में रक्त और कफ के प्रसाद भाग से बताया गया है। तो इनकी वजह से आंत्र की उत्पत्ति होती है। तो इसमें देखिए संप्राप्ति भेद में क्या रहता है कि जैसे पेशेंट को कभी बचपन में मान लीजिए ज्वर आया, ज्वर में देख लीजिए आप अगर उसको कामला या जॉन्डिस हुआ या फिर बाय चांस उसको टाइफाइड हुआ, तो उस टाइम पे अगर उसकी प्रॉपर आयुर्वेदिक चिकित्सा नहीं की जाती है या फिर उसको आयुर्वेद में बहुत अच्छा टर्म आया है, खा वैगुणे का अर्थ रहता है कि एक ऐसा स्पेस है जहाँ, क्योंकि दोष जो है पूरे शरीर में हमारे भ्रमण करते रहते हैं, खा वैगुण्य एक ऐसा रोड ब्लॉक है जहाँ पे दोष रुक जाते हैं आके। जैसा आपको पता है कि दोष चलायमान है और कहीं भी अगर वो रुक जाते हैं तो फिर वो व्याधि उत्पन्न करते हैं। तो ये खा वैगुण्य इसी लो वाइटलिटी टिश्यू के वजह से बनता है, जो कि बचपन के कुछ एक ज्वर रहते हैं उसकी वजह से होता है। सेकेंड फैक्टर है इसमें जैसे आहार का मैंने बताया आपको, आहार बहुत ज़्यादा इसके लिए इम्पोर्टेंट रहता है। जनरली अल्सरेटिव कोलाइटिस एकदम से कंडीशन देखने को नहीं मिलती है, बहुत लंबे समय से अगर आहार के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और अग्नि पे आपके उसके लोड आ रहा है, यानी जठराग्नि पे आपके उसके लोड आ रहा है, तो उससे क्या रहता है कि थोड़ा सा अग्नि मांद्य की कंडीशन स्टार्टिंग में होती है, अजीर्ण होता है, अजीर्ण के बाद फिर प्रवाहिका या कोलाइटिस की कंडीशन डेवलप होने लगती है पेशेंट की। और यही कोलाइटिस की कंडीशन अगर पेशेंट नेग्लेक्ट करता है या फिर जो उसके हेतु हैं वो उसका सेवन लगातार होता रहता है, तो ये लास्ट में जाके फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। और इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पित्त दोष का बहुत बड़ा रोल रहता है। जनरली नॉर्मल कंडीशन में कैसा रहता है कि जो अल्सर्स रहते हैं इंटेस्टाइन के, 3 से 4 दिन के अंदर उसमें रीजनरेशन होने लगता है, लेकिन जो पित्त दोष हमारे शरीर में विकृत हो चुका है या बढ़ चुका है, ये जो है उस अल्सर्स को हील नहीं होने देता है और इसी की वजह से जो है अल्सर कॉम्प्लिकेट करता है, उसमें से ब्लीडिंग वगैरह होती है। तो पित्त दोष का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है अल्सरेटिव कोलाइटिस में। इसमें अब कॉम्प्लिकेशन या उपद्रव की बात करते हैं। जैसे हमने बताया है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है एक अन्नव स्रोतस की व्याधि है और अन्नव स्रोतस में लार्ज इंटेस्टाइन मेनली इससे इफेक्टेड रहता है और लार्ज इंटेस्टाइन को आयुर्वेद में पक्वाशय संज्ञा दी गई है। पक्वाशय क्योंकि वायु का स्थान है, तो अगर पक्वाशय में कोई भी दुष्टि होती है तो वायु दुष्ट रहती है और वायु दुष्टि के बाद फिर वायु जो है जॉइंट डिसऑर्डर कर सकती है। तो अगर आपके पेशेंट की अल्सरेटिव कोलाइटिस की हिस्ट्री है और उसको जॉइंट डिसऑर्डर्स हैं या जॉइंट रिलेटेड बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, तो वहाँ पे आपको जो ट्रीटमेंट है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस का देना पड़ेगा, ना कि जॉइंट डिसऑर्डर का देना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें कॉम्प्लिकेशन है कि आई डिजीज, जैसे मैंने आपको बताया है कि जो नेत्र हैं वो मज्जा के अवयव हैं, जैसे बुद्धि मज्जा का अवयव है वैसे नेत्र भी मज्जा का अवयव है, तो आंत्र की दृष्टि में या ग्रहणी की दृष्टि में मज्जा की दृष्टि होती है, इस वजह से आई डिसऑर्डर या नेत्र रोग भी अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट को देखने को मिल सकते हैं। इसमें अब हार्ट डिजीज का भी वर्णन मिलता है या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट को हार्ट डिजीज भी हो सकता है। पित्त दोष देखिए, जो हमारा हृदय है उसमें साधक पित्त रहता है और क्योंकि इन जनरल पित्त दोष जब प्रकोपित होता है
तो उसकी वजह से जो पांचों पित्त हैं उसमें प्रकोप हो जाता है। तो यही पित्त दोष जो है साधक पित्त को अफेक्ट करता है, और साधक पित्त का क्योंकि स्थान हृदय है इस वजह से ये हार्ट डिजीज भी करता है। हाँ, अब इसमें हम जो है आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, आयुर्वेद में एक बहुत ही अच्छा टर्म आया है, बेसिकली आहार के लिए जो टर्म आया है, तीन शब्द आए हैं, हितांबु, मितांबु एंड रितांबु। हितांबु का अर्थ है कि आपको हितकर भोजन करना चाहिए, मितांबु का अर्थ है कि भोजन की मात्रा अल्प रहनी चाहिए, जितनी भी आपको भूख है उससे थोड़ा सा आप हमेशा कम खाइए तो हमेशा हेल्दी रहेंगे। तीसरा है रितांबु, मतलब कि ऋतु के अनुसार आपको अपने भोजन में बदलाव लाना चाहिए। जनरली देखा जाता है कि पेशेंट जो है टेस्ट के लिए खाते हैं रादर हेल्दी रहने के लिए, तो एक तरीके की मोनोटोनस डाइट अगर पेशेंट की रहती है तो कहीं ना कहीं अन्न व स्रोत की कोई ना कोई व्याधि उसके पीछे जरूर लगती है, तो वो चीज़ हमें करेक्ट बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें फ्रेश खाना खाना चाहिए, बासी फ्रिज का गया हुआ खाना बिल्कुल अवॉइड करें आप, खाना पका हुआ खाएं, रॉ वेजिटेबल्स या फिर सैलेड अगर आपको लेना है तो हमारी भारतीय परंपरा में या भारतीय सभ्यता में जितनी सलाद की मात्रा है उतना आप खाएं। ऐसा नहीं करें कि आप एक बाउल आप अपना सैलेड का लेके बैठे हैं और खाने की जगह आप सैलेड खा रहे हैं, तो वैसा नहीं करना चाहिए। खाना वार्म या उष्ण होना चाहिए हमारा खाना, मॉइस्चराइज्ड होना चाहिए खाना हमारा। इसका मतलब है कि खाने में गाय के घी का प्रयोग जरूर होना चाहिए। गाय का घी जो है नेचुरली जो है घी जो है पित्त शमन का श्रेष्ठ द्रव्य है, और उसमें भी जो गाय का घी है उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है बहुत ज़्यादा बेटर रहती है, उसके गुण जो हैं बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, इसलिए खाना जो है गाय के घी में बनाने की कोशिश करें। प्री डाइजेस्टेड वाटर नेक्स्ट इसका पॉइंट है, इसका मतलब है कि पानी जो है प्री डाइजेस्टेड होना चाहिए। पानी प्री डाइजेस्टेड का मतलब है कि जैसे खाना आप गर्म करके खाते हैं, गर्म करके या उबाल के ठंडा किया हुआ पानी जो है उसमें अग्नि का संस्कार हो जाता है, तो वो पानी जो है पचने में लघु हो जाता है। तो कुछ एक लोगों की इसमें क्वेरी रहती है कि हमारे पास तो आरओ है तो हम क्यों प्री डाइजेस्टेड पानी यूज़ करें। पानी को उबालने का मतलब उसके जीवाणु या उसको डिसइंफेक्ट या फिर उसको क्लीन करना नहीं है, किसी भी चीज़ में अगर अग्नि का संस्कार हो जाता है, जैसे खाना आपने देखा होगा ठंडा खाना आपको पछता नहीं है, लेकिन गर्म खाना अगर आप खाते हैं तो पछता है क्योंकि उसमें अग्नि का संस्कार हो जाता है, उसमें लघुता आ जाती है। उसी तरीके से अगर पानी आप उबाल के रख लें पूरे दिन भर में जितना आपको पानी लगता है, उसको आप ठंडा करें और वो पानी दिन भर में पिए तो आपको ये कंडीशन नहीं होगी। इसमें एक और टर्म है कि प्लास्टिक कंटेनर्स या फिर बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते हैं। प्लास्टिक जो है कैंसर कॉजिंग एजेंट रहता है, क्योंकि देखिए पानी जो है आदमी बहुत ज़्यादा बल्क में कंज्यूम करता है और जितना उसका लाइफ है पूरी लाइफ लॉन्ग वो पानी पीता रहता है, जो तो फिर वो जो भी प्लास्टिक के कार्सिनोजेनिक एजेंट रहते हैं वो पानी के थ्रू धीरे धीरे शरीर में डिपॉजिट होते रहते हैं, फिर ऑल ऑफ अ सडन पेशेंट को एकदम से कैंसर की केस स्टेज वन या स्टेज टू डिटेक्ट हो जाता है, तो उस टाइम पे फिर उसको रीज़न नहीं मिल पाता है। इसीलिए देखिए जो भी वेल टू डू फैमिलीज हैं, या आप देख लीजिए कि बॉलीवुड में आप देखिए मोस्टली जितने भी एक्टर्स हैं आपको सुनने को मिलता होगा कि वो उनको जो फेट है या उनकी जो प्रोग्नोसिस है कहीं ना कहीं हर किसी को कैंसर होता है। पॉसिबल है तो चांदी के बर्तन में पानी या फिर जग में पानी रखने का आप प्रयास करें, क्योंकि देखिए जिस तरीके से प्लास्टिक जो है अपने बुरे गुण की वजह से कैंसर तक कंडीशन उत्पन्न कर सकता है, वैसे ही अगर हम उसके पात्र में चांदी का प्रयोग करें या चांदी के बर्तन में पानी रखें तो वो अपने अच्छे गुण की वजह से हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है और हमारे शरीर में ओज का भी वर्धन करता है, तो इसकी वजह से चांदी के ग्लास या फिर स्टील के ग्लास यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ एक लोगों को ये शंका होगी कि हम तांबे के बर्तन यूज़ करते हैं, तो
तांबे के बर्तन जो है एक्चुअली ताम्र विष है, और ओल्ड एज में जो पेशेंट है वो यकृत उत्तेजन कार जो होता है तांबे का या ताम्र का, वो उनको डाइजेशन में बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है। लेकिन अगर यंग पेशेंट, मैंने देखा है मेरे पास काफी पेशेंट आते हैं, वो यंग पेशेंट भी तांबे के बर्तनों में कहते हैं कि सर हम सुबह सुबह तांबे के लोटे में पानी पीते हैं। तांबा जो है शुक्र नाशक रहता है, मतलब जो तांबा है वो आपके शुक्र धातु का नाश करता है। यही एक कारण है कि आपने देखा होगा जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस रहती है उसमें आपने देखा होगा क्या लिखा रहता है, कॉपर टी, कॉपर का बना रहता है वो। कारण उसका यही है कि जो तांबा रहता है वो शुक्र धातु का नाश कर सकता है। ये शुक्र धातु बोल मेल फीमेल दोनों में ही मान के आप चलिए, ऐसा नहीं कि शुक्र धातु है तो सिर्फ ये मेल में ही इफेक्ट करेगा। इस वजह से तांबे के बर्तन को अवॉइड करें। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, जैसे मैंने बताया कि मानसिक आपकी जो कंडीशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए, तभी जो खाया हुआ अन्न है वो आपको पच सकेगा। स्लीप शेड्यूल में जैसे मैंने आपको बताया कि नेचर के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, रात्रि जागरण आप बंद कर दीजिए, दीवा स्वाप आप बंद कर दीजिए। अगर दिन में आपको सोना है तो आप बैठे बैठे सो सकते हैं, लेकिन दिन में लेटना नहीं है। साल में सिर्फ 2 महीने जो ग्रीष्म ऋतु या गर्मी के रहते हैं वो दिन में सोने के लिए बने हैं, उनको छोड़ के बाकी के 10 महीने दिन में सोना नहीं है। 10 से 2 का समय मैं फिर से कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये पित्त दोष को कंट्रोल करता है। 4-4 घंटे के जो ये समय काल हैं ये दोषों के हिसाब से डिवाइड हैं, 10 से 2 का जो समय है वो पित्त का रहता है। तो रात में 10 से 2 की नींद मस्त है आपके लिए। जितना ज़्यादा आप इस टाइम में सोएंगे या जितना ज़्यादा इस टाइम लिमिट में नैप लेंगे उतना ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि डेफिकेशन, मल त्याग 6 बजे से पहले पहले कर लेना चाहिए आपको। इसका देखिए कारण है कि 10 से 2 जो है वो पित्त का काल रहता है, 2 से 6 जो है वात का काल रहता है, 6 से 10 फिर से कफ का काल हो जाता है। और मल निसरण की जो प्रक्रिया है वो अपान वायु की वजह से होती है। तो अगर वात के काल में अगर आप मोशन के लिए जाते हैं तो मोशन इजिली पास आउट हो जाता है, और मोशन इजिली पास आउट हो जाएगा तो जो दोष हैं आपके वो शरीर से बाहर आपके टाइम से निकल जाएंगे, संचय नहीं होगा, संचय नहीं होगा तो जो है दोष आपके प्रकोपित नहीं होंगे मल की वजह से। नेक्स्ट जैसे मैंने बताया एब्सटिनेंसिया, शुक्र धातु पित्त धातु को कंट्रोल करता है, इस वजह से एब्सटिनेंस का जो पॉइंट है वो भी हमारे शास्त्रों में बड़े अच्छे तरीके से बताया गया है। आप देख सकते हैं कि कुछ एक ऋतु हैं जैसे ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, इसमें मैथुन निषेध आया है। तो अगर शास्त्र के हिसाब से अब हम इसको फॉलो करते हैं और शास्त्र को आप्त मान के हम उसको हर एक पॉइंट को फॉलो करते हैं तो इससे क्या रहता है कि उस ऋतु में होने वाले जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बच जाते हैं। इसलिए शुक्र धातु का ये जो एब्सटिनेंस वाला फैक्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फैक्टर है स्ट्रेस को अवॉइड करें। स्ट्रेस का जैसे मैंने आपको बताया है कि पित्त धरा कला और मज्जा धरा कला का संबंध रहता है, इस वजह से अगर स्ट्रेस होता है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के फ्लेयर अप बढ़ जाते हैं या फिर ये कंडीशन हो सकती है। बेसिक कारण यही रहता है कि मानसिक स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं है तो आपकी जो है अग्निमांद शरीर में उत्पन्न होता है, जठराग्निमांद उत्पन्न होता है। देखा होगा आपने कि आपका मूड अच्छा नहीं है तो खाना भले ही आपके मनपसंद हो तब भी आपको खाने का मन नहीं करता है, मानसिक अरुचि उत्पन्न हो जाती है। तो वो जो खाना आप खाते हैं उससे फिर जो है प्रॉपर शरीर की धातुएं नहीं बन पाती हैं और वो कहीं ना कहीं मल रूप में या दोषों को दूषित करता है और कहीं ना कहीं ये कंडीशन उत्पन्न करता है। अब यहाँ थोड़ा सा हम होम रेमेडीज का वर्णन करेंगे। देखिए एक इसमें बहुत ही कॉन्ट्रा इंडिकेटिंग या फिर आप कह लीजिए कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर है, एलोपैथिक साइंस जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट को में मिल्क बंद करवा देता है। ऐसा एलोपैथिक साइंस का मानना है कि मिल्क से अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है उसका फ्लेयर अप बढ़ जाता है, कॉम्प्लिकेट हो जाता है। लेकिन आयुर्वेद का मानना इससे जस्ट अपोजिट है। अगर आपके पास कोई अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट आता है आप उसको टोटली मिल्क डाइट पे रखिए, ठीक है, आप 1 हफ्ता रख के पेशेंट को देख सकते हैं बिना किसी ट्रीटमेंट के। अगर आप उसको टोटली मिल्क डाइट पे रखते हैं
तो पेशेंट के सिम्टम्स जो हैं वो कम होने लगते हैं। कारण इसका ये है, देखिए मिल्क जो है या दुग्ध जो है वो विरेचन होता है या विरेचक होता है, तो पित्त का रेचन करता है दूध और पित्त दोष को कंट्रोल में लाता है। दूसरा है कि अगर पेशेंट को कंप्लीट मिल्क डाइट पे रखेंगे तो इससे जो हमारी अग्नि है, जठराग्नि है, उस पे लोड नहीं पड़ता है। और क्योंकि जठराग्नि पे लोड नहीं पड़ेगा, जठराग्नि जो है पहली सीढ़ी होती है किसी भी रोग की, और उस पे अगर लोड कम हो जाएगा, अग्निवर्धन होने लगेगा, तो पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो कंट्रोल होने लगते हैं। इसमें देखिए एक साल द्रव्य रहता है, इसको बॉटनिकल लैंग्वेज में शोरिया रोबस्टा बोला जाता है। ठीक है, साल का ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये वाला है, ये निर्यास रहता है, एक्चुअली रेजिन बोला जाता है इसको। साल के जो पेड़ से जो निर्यास निकलता है वो इस तरह से रहता है, तो उसका जो है हम यूज कर सकते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट में। इसमें क्या करना रहता है हमको, एक वाटर टू ऑयल इमल्शन बनाना रहता है हमको साल का। इसमें 1/4 टीस्पून या 1/4 चम्मच साल का पाउडर ले लीजिए आप, और इसमें 2 चम्मच कोकोनट ऑयल डाल के इसको मिक्स करिए, और 4 चम्मच इसमें गर्म पानी डाल के इसको एक इमल्शन जैसा बना लीजिए, और सुबह शाम अगर इसका यूज करते हैं तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। बेसिकली इसका जो रोल है, साल जो है थोड़ा सा इसमें रक्त स्तंभन करता है, और इमल्शन को बनाने के पीछे रीजन ये है कि ये एक तरीके की कोटिंग कर देता है जो अल्सर्स रहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के, इसलिए बेनिफिशियल रहता है। नेक्स्ट इको मेडिसिन है, हमारी महाराष्ट्र की विश्व परंपरा में इको मेडिसिन का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, मतलब फ्रेश मेडिसिन जो है, जो सरस कल्पना है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। इसकी वजह से पेशेंट्स को हम जो हमारे इंडिया से बाहर के पेशेंट्स हैं जो मेडिसिंस वगैरह अवेलेबल नहीं रह पाती है कभी कभी किसी पेशेंट के पास, तो उनको इको मेडिसिन बताई जाती है, उसका भी इफेक्ट इसमें देखने को मिलता है। तो इसमें देखिए जो पहला फॉर्मुलेशन है उसमें आम के पत्तों को लेके, आम के पत्ते और जामुन के पत्तों को लेके उनका सुरस निकालिए आप, और 4 चम्मच सुरस एक टाइम पे आपको निकालना है, उसमें थोड़ा सा उसको शहद का अनुपान दे दीजिए, और सुबह शाम खाना खाने के बाद अगर ये पेशेंट को देते हैं आप तो 21 दिन के इसको 3 कोर्स आप करके देखिए, पेशेंट बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट इसमें है कि जो वासा है, आप सभी जानते होंगे वासा जो प्लांट है, उसका अर्धतोड़ा वासिका उसका बॉटनिकल नेम है। वासा जो है इसके जो गुणकर्म है उसमें सबसे पहला इसका गुणकर्म है रक्त स्तंभन, इसलिए जो रक्त स्तंभन गुण वासा का रहता है उसकी वजह से क्या रहता है कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट में ब्लीडिंग देखने को मिलती है स्टूल में, वो तुरंत ही वासा के प्रयोग से कंट्रोल हो जाती है। दूसरा, वासा का जो प्रॉपर्टी रहती है उसमें जो है रक्त प्रसादन एक गुण वासा का आया है, क्योंकि वासा जो है तिक्त रस प्रधान है, तो रक्त प्रसादन रहता है। रक्त प्रसादन का अर्थ है कि जो शरीर में रक्त की उत्पत्ति होती है, जो ब्लड उत्पन्न होता है, उसको प्यूरिफाई करता है वासा और फ्रेश ब्लड के प्रोडक्शन में मदद करता है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारी आंतें हैं या आंत्र है हमारी, रक्त और कफ से निर्मित रहती है, तो फ्रेश अगर ब्लड मिलता है हमारे शरीर को तो फ्रेश आंतें निर्माण होगा, या फिर जो हीलिंग प्रोसेस में जो नई नई टिश्यू हमारी आंतों को चाहिए वो तभी आ सकता है जब हम रक्त का प्रसादन करते हैं। इस वजह से वासा लीव का जो एक्सट्रैक्ट रहता है, यानी वासा जो सरस रहता है, वो भी अगर आप 4-4 चम्मच शहद के साथ देंगे तो वो भी बेनिफिट रहता है। नेक्स्ट मेडिसिन जो इसमें बेनिफिशियल रहती है वो है बेल फ्रूट। बेल फ्रूट आपको सभी को पता होगा, इसमें हमें कच्चा बेल लेना चाहिए, क्योंकि जो पका हुआ बेल है वो त्रिदोष कारक बताया गया है। तो कच्चे बेल का जो प्रयोग है वो जो है उसका पाउडर अगर हम करते हैं तो इससे क्या रहता है कि थोड़ा सा जो आमावस्था वाली हमारी कंडीशन रहती है उसमें वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। तो कच्चे बेल का पाउडर इसमें बेनिफिशियल है। साथ में कुटज,
कुट्टज जो एक वृक्ष रहता है उसकी छाल जो है उसका जो चूर्ण है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। इसके लिए स्क्रीन में सभी प्लांट्स के इमेजेस वगैरह शेयर किए हैं। ये वासा है, बाकी ये जामुन के लीव्स हैं, ये मैंगो लीव्स हैं। अब हम देखेंगे कि आगे और क्या क्या कर सकते हैं हम। इसमें देखिए पहला जो पॉइंट है कि फुल बॉडी मसाज अगर पेशेंट तिल तेल से करता है डेली बेसिस में तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के रिकरेंस को या इसकी होने की जो संभावना है उसको टाला जा सकता है। कारण फिर से वही है जो रिलेशन मैंने आपको पहले बताया था कि स्किन का और रेक्टम का जो है एक्टोडर्मल ओरिजिन होने की वजह से दोनों में कनेक्शन रहता है। अगर आप अभ्यंग करते हैं, अभ्यंग से क्या रहता है कि त्वचा की जो हेल्थ है वो सुधरती है, त्वचा की हेल्थ सुधरती है तो ऑटोमेटिकली आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की हेल्थ सुधरती है। तो अगर डेली बॉडी मसाज करते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है। इसमें कुछ एक प्राणायाम बेनिफिशियल रहते हैं। प्राणायाम दोनों तरीके से, मेडिटेशन या प्राणायाम स्ट्रेस रिलीविंग भी है, साथ में जो है शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें देख लीजिए आप पश्चिमोत्तानासन इम्पॉर्टेंट है, भुजंगासन इम्पॉर्टेंट है, बाकी अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव प्राणायाम है जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। इसमें अब देखिए ट्रीटमेंट एस्पेक्ट में हम आएंगे। ये पहला पॉइंट है, देखिए प्रोग्नोसिस चेंजेस एट द ट्रीटमेंट पैथी चेंजेस। देखिए हर पैथी के अपने लिमिटेशंस रहते हैं, अपने बेनिफिट्स रहते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो चीज़ एलोपैथी में क्योरेबल नहीं है वो आयुर्वेद में भी क्योरेबल नहीं रहेगी, और जो चीज़ आयुर्वेद में क्योरेबल नहीं है ज़रूर नहीं है कि वो एलोपैथी में भी क्योरेबल नहीं रहेगी। तो ये चीज़ें दोनों पैथी में एक जैसी ही हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि आप आयुर्वेद है तो इसमें तो ठीक ही नहीं होगा क्योंकि एलोपैथी में इसमें मना कर रखा है। पैथी चेंज होती है तो प्रोग्नोसिस चेंज होता है, बस फर्क ये है कि आपको डायग्नोसिस जो है अपना लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप अल्सरेटिव कोलाइटिस डायग्नोसिस लेके चलते हैं तो पेशेंट ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो निदान दूसरी पैथी का है और उस पैथी में उसकी चिकित्सा ही अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी चिकित्सा कैसे करेंगे। तो आपको उस कंडीशन को अपने आयुर्वेद के अकॉर्डिंग किस किस उसमें वर्णन किया गया है वो देख के फिर आपको उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। पेशेंट टू पेशेंट ट्रीटमेंट इसमें चेंज होता है या फिर डिफर करता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत सारी कंडीशन रहती हैं आयुर्वेद में जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस को रखा जा सकता है। इसमें कुछ एक कल्प हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें देखिए पर्पटी कल्प जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि पर्पटी कल्प का जो मुख्य जो रोगाधिकार है वो ग्रहणी है, और मुख्यतः अल्सरेटिव कोलाइटिस में ग्रहणी की दुष्टि ही देखी जा सकती है। इसलिए जो है पर्पटी कल्प जो है बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिशियल रहते हैं। इसमें कंडीशन के हिसाब से अलग अलग पर्पटी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्रोनिक पेशेंट है, सीवियर कंडीशन है पेशेंट की, और पेशेंट का वज़न कम हो रहा है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, तो आपको स्वर्ण पर्पटी का यूज़ करना पड़ता है। और डाबर की जो है स्वर्ण पर्पटी अच्छी कंडीशन है, उसकी इफ़ेक्ट्स अच्छे हैं, तो वो यूज़ कर सकते हैं आप। बाकी इसमें अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन नहीं है, पेशेंट अफोर्डेबल नहीं है, तो पंचामृत पर्पटी का यूज़ कर सकते हैं आप। इसमें दूसरे कल्पों में महामंजिष्ठादि कषाय इसमें बेनिफिशियल रहता है। महामंजिष्ठादि कषाय का एक्शन फिर से वही आ जाता है कि रक्त का प्रसादन करता है, क्योंकि महामंजिष्ठादि कषाय त्वचा विकार का मेनली कल्प है, और कल्प वात रक्त का है लेकिन बेसिकली इसको त्वचा विकार में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो रक्त का प्रसादन करता है ये अपने जो इसके घटक हैं, और उसकी वजह से इसमें बेनिफिट मिल सकता है पेशेंट में। गूगल तिक्त घृत है वो आप यूज़ कर सकते हैं। बोलभद्रस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव द्रव्य है इसमें, क्योंकि बोलभद्रस जो है ब्लीडिंग भी रोकता है, पस फॉर्मेशन भी कम कर लेता है, साथ ही साथ जो है पेशेंट की जो कंप्लेंट है उसको वो करेक्ट कर लेता है। इसमें गंधक रसायन किसी किसी कंडीशन में यूज़ होता है जो
थोड़ा सा सिम्टम्स या लक्षण उसके पित्तज सिम्टम्स दिख रहे हों या धातुशय हो रहा हो पेशेंट को, तो उसमें गंधक रसायन भी यूज होता है। त्रिफला गुगुल हम यूज कर सकते हैं, गुदज विकारों में त्रिफला गुगुल का बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इसका वर्णन है, और बेसिकली इसके इंडिकेशन में गुदज विकार आया है त्रिफला गुगुल में, तो हम अल्सरेटिव कोलाइटिस में, अर्श में, भगंदर में, जो भी गुदा के विकार हैं उसमें त्रिफला गुगुल बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, तो उसका भी हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। पंचकर्मा में इसमें क्योंकि यह पक्वाशय या बड़ी आंतों की व्याधि है, इसमें बस्ती जो है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहती है। वैसे भी बस्ती को आयुर्वेद में अर्ध चिकित्सा बताया गया है, तो उससे क्या रहता है कि बस्ती में भी देखिए दो तरीके की बस्ती इसमें बेनिफिशियल है, एक है पिच्छा बस्ती हो गया, दूसरा शीर बस्ती हो गया। पिच्छा बस्ती जो है वाग्भट में मेंशन है उसका, इसमें क्या रहता है जैसे इसका नाम से आपको देखा है कि पिच्छा नाम है इसका, पिच्छा का मतलब है पिच्छिल, पिच्छिल का मतलब है म्यूसिलेजिनियस, मतलब जो चिपचिपे पदार्थ जिसमें हो। तो इस बस्ती के घटक में वट श्रृंग या फिर ऐसे ही जो वट के कोपल होते हैं, फ्रेश कोपल डाले जाते हैं, और उससे क्या रहता है जो एक म्यूकस की लेयर जैसी बस्ती में तैयार हो जाती है, और वही बस्ती जो है हम जब देते हैं तो उससे दो तरीके से फर्क आता है, एक तो जो बस्ती एब्जॉर्ब होती है उसके जो एक्शन है उससे अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, दूसरी बात है जो लोकली जो ये म्यूसिलेजिनियस बस्ती जो है ये जब पेशेंट को जाती है तो उससे क्या रहता है कि उसमें जो अल्सर की सरफेस है उसमें कोटिंग सी डेवलप हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या रहता है हीलिंग थोड़ा सा फास्ट हो जाती है। इसमें हम शीर बस्ती भी पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंडीशन डिफर करती है, अगर पेशेंट जो है निराम अवस्था में है तो आप पिच्छा बस्ती दे सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पिच्छा बस्ती गुरु रहती है। अगर पेशेंट साम अवस्था में है तो पिच्छा बस्ती की जगह आप शीर बस्ती दे सकते हैं, शीर बस्ती में तिक्त शीर बस्ती आप दे सकते हैं। तिक्त शीर बस्ती में जैसे आपको पता है कि आप तिक्त द्रव्यों का प्रयोग रहता है, साथ में स्नेह की जगह पे इसमें आप महातिक्तक या तिक्तक घृत यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो है ब्राह्मी तेल जो है उसका शिरोधारा बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, उससे क्या रहता है कि जैसा मैंने आपको रिलेशन बताया है कि गृहिणी का और मज्जा धातु का जो है जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे क्या रहता है कि शिरोधारा से एक तरीके से स्ट्रेस रिलीज होता है, स्ट्रेस कम रहेगा पेशेंट में तो जो फ्लेयरअप्स हैं वो नहीं हो पाते हैं, और इसी वजह से आप देखेंगे कि अगर शिरोधारा आप पेशेंट को देते हैं, पेशेंट की कंडीशन पे ये सब ट्रीटमेंट डिपेंड करता है, अगर पेशेंट अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट है, हिस्ट्री में उसकी कोई भी मानसिक व्यवसाय है, जैसे पेशेंट मान लीजिए वकील है या फिर पेशेंट टीचर है या फिर जिस किसी भी व्यवसाय में दिमाग का ज़्यादा यूज़ होता है, तो अननेसेसरी ये ऑब्वियस सी बात है कि पेशेंट की जो मानसिक स्वास्थ्य है उसमें कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, तो ऐसे पेशेंट में आप अपने जनरलाइज्ड ट्रीटमेंट के साथ में अगर शिरोधारा देते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। इसमें अग्निकर्म का भी रोल रहता है, जैसे आपने देखिए स्क्रीन पे देखा होगा स्वर्ण शलाका से अगर आप क्राउन रीजन पे अग्निकर्म करते हैं, क्राउन रीजन मतलब जहाँ पे वेणी या चुटिया बनाई जाती है, देखा होगा आपने उसको, मॉडर्न साइंस में उस लोकेशन को क्राउन रीजन बोला जाता है स्कैल्प का, तो उसमें अगर आप अग्निकर्म करते हैं स्वर्ण शलाका से तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अगेन इसका रिलेशन वही है बुद्धि मज्जा धातु का अवयव, मज्जा धातु गृहिणी से रिलेशन, उसी वजह से अग्निकर्म जो है वो बेनिफिशियल रहता है। यहाँ पे एक मैं केस स्टडी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा अपने पेशेंट की। इसमें देखिए पेशेंट जो मेरे पास आया था, जनरली जो एज ग्रुप रहता है यंग रहता है, उसमें देखिए 25 इयर्स का पेशेंट था, उसका जो ऑक्यूपेशन था अकाउंटेंट था पेशेंट, और डायग्नोसिस वो प्रोक्टाइटिस का लेके आया था, जो उसकी कंप्लेंट्स थी वो
मोशन में उसको ब्लड आता था, पस भी आता था, कॉन्स्टिपेशन कभी रहता था, कभी अनकंट्रोल्ड डेफिकेशन हो जाता था, मतलब उसका जो पैटर्न था मोशन का वो फिक्स नहीं था, कुछ भी हो सकता था उसको। सिम्टम्स में पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रवाहण करना पड़ता था मोशन के टाइम पे, और क्योंकि उसका डेफिकेशन कंट्रोल नहीं था, पेशेंट जो है उसको ये डर रहता था कि कभी कभी मोशन ना हो जाए मेरे जॉब के टाइम पे, तो पेशेंट जो है एडल्ट डाइपर पहन के जाता था अपने वर्क में, और क्योंकि कभी कभी पेशेंट को सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाता था, कभी लूज मोशन हो जाते थे, उसकी वजह से पेशेंट जो है सपोजिटरी यूज़ करता था। सपोजिटरी से आप ये कॉमन टर्म है, शायद आप समझ ही गए होंगे, इसको आयुर्वेद में वर्ती भी बोला गया था कि पेशेंट को जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो वो उस वर्ती को या सपोजिटरी को अपने गुदा में अंदर इंसर्ट करते हैं, फिर वो वहाँ डिजॉल्व होके फिर मोशन के साथ वो बाहर निकलता है। तो पेशेंट जब तक मेरे पास आया था तो वो डेली बेसिस पे सपोजिटरी यूज़ कर रहा था। पेशेंट का देखिए एलिमेंट जो पीरियड था वो 8 साल का था, 8 साल से पेशेंट जो था वो अफेक्ट था स्टार्टिंग में, क्योंकि एकदम से अल्सरेटिव कोलाइटिस डायग्नोस नहीं होता। जैसे मैंने बताया कि पेशेंट को पहले डाइजेशन का इशू था, फिर वो कोलाइटिस में कन्वर्ट हुआ, फिर धीरे 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 लेटर स्टेजेस में वो अल्सरेटिव कोलाइटिस में फिर उसको डायग्नोस हो गया। ट्रीटमेंट हिस्ट्री में पेशेंट ने ऑन एंड ऑफ एलोपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, 8 साल से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, उसमें एंटीबायोटिक्स चले थे पेशेंट को, स्टूल सॉफ्टनर चला था, सपोजिटरी अभी तक पेशेंट ले रहा था, कुछ एक रिलीफ होता था फिर वापस आ जाता था, फिर रिलीफ होता था फिर वापस आ जाता था, लेकिन जैसे जैसे पेशेंट की कंडीशन जो है वो आगे बढ़ती जा रही थी तो वो डिटीरियोरेशन की तरफ जा रहा था। फाइनली एलोपैथिक डॉक्टर ने उसको बोला कि अब ये मेडिसिन से ठीक नहीं होगा, आप इसको सर्जरी करवा लीजिए, नहीं तो आपको कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ये एक स्ट्राइकिंग पॉइंट था पेशेंट का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की तरफ आने के लिए, क्योंकि पेशेंट सर्जरी का नाम सुन के डर जाता है और फिर वो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ढूंढने लगता है। पेशेंट के जो संप्राप्ति थी इस पेशेंट की, उसमें उसकी जो डायग्नोसिस बना, निदान आयुर्वेदिक रक्त प्रवाही का बनाया गया था। पेशेंट के जो प्रमुख हेतु थे उसमें पित्त प्रकोप था, क्योंकि पेशेंट अकाउंटेंट था तो वो जो अपना ऑफिस का पेंडिंग काम था वो अपने रात में घर पे करता था, और जैसे मैंने बताया कि 10 से 2 का जो काल है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है वो, तो पेशेंट जो है रात्रि जागरण करता था, इसका इसकी वजह से पित्त प्रकोप रहता था। साथ में उसकी डाइट में बहुत ज़्यादा अचार था, साथ में ग्रीन लीफी वेजिटेबल या ग्रीन चिली वगैरह बहुत ज़्यादा खाता था पेशेंट को, ये विदाही आहार कहा जाता है। अचार जो है अम्ल रस का रहता है, अम्ल रस जो है अगेन पित्त का प्रकोप करता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल का हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ग्रीन चिली या हरी मिर्च, कुछ एक लोगों का मानना है कि लाल मिर्च नुकसान करती है, हरी मिर्च नहीं नुकसान करती है। एक सादा सा एग्जांपल है, अगर आपको कहीं दोनों ही आपको दिक्कत ज्यादा होगी, क्योंकि लाल मिर्च सूखी रहती है उससे रूक्ष्म पित्त का प्रकोप होता है, हरी मिर्च गीली रहती है इसलिए उससे द्रव पित्त का प्रकोप होता है। तो दोनों ही मिर्च एक जैसा एक्शन या नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी शरीर को नुकसान करती हैं अगर आप एक्सेस में लेते हैं। दूध और घी का कंसम्पशन पेशेंट का बिल्कुल नहीं था, जो दो चीज़ें आहार में पित्त का कंट्रोल करती हैं वो पेशेंट नहीं लेता था। पेशेंट बहुत ज़्यादा लॉन्ग सीटिंग था उसका, क्योंकि अकाउंटिंग था पेशेंट, इस वजह से क्या रहता है कि गुदा प्रदेश में वात और पित्त का प्रकोप हो जाता है। वात पित्त का प्रकोप से आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि पानी बाहर पड़ा है, उसमें हवा लग रही है, साथ में उसमें सूरज की रोशनी आ रही है, तो दोनों तरीके से वो पानी सूख जाएगा, इसकी वजह से वात पित्त का प्रकोप रहता है जो पेशेंट लॉन्ग सिटिंग जॉब वाले रहते हैं। ओकेजनली अल्कोहल और स्मोकिंग भी पेशेंट लेता था, तो एडिक्शन का भी एक उसमें फैक्टर था। पेशेंट के ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो पेशेंट आता है तो हम उसको डाइट करेक्शन वगैरह उसको बताते हैं, क्योंकि डिटेल हिस्ट्री में जो जो फैक्टर्स उसके मिलते हैं, क्योंकि देखिए अगर आपको मैं एक सादा एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक नल खुला हुआ है और
उसमें नीचे बाल्टी रखी है, तो अगर आपको बाल्टी खाली करनी है तो आप मग्घे से पानी निकालते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आप ऊपर का नल नहीं बंद करते हैं बाल्टी खाली नहीं होगी। तो सबसे पहला काम आपका ये रहता है कि आप पेशेंट का डाइट करेक्ट करें, और जो जो फैक्टर्स आपकी हिस्ट्री में पेशेंट की मिल रहे हैं उसको आपको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले पेशेंट का डाइट करेक्ट किया था हमने। उसके बाद इंटरनल मेडिकेशन में हमने पेशेंट को गंधक रसायन दिया था, महाथिक घृत यूज़ किया था, बोलबद्ध रस दिया था और कुटजव ले दिया था। कुटज जो मैंने भी सबको बताया है कि अलग अलग फॉर्मुलेशन हम पेशेंट टू पेशेंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन द्रव्य जो कुटज है वो इम्पोर्टेंट रहता है इसमें। तो 3 महीने तक हमने पेशेंट को ये कॉम्बिनेशन दिया था 15-15 दिन के फॉलोअप में। और उसके बाद हमने पेशेंट की तिक्त बस्ती प्लान करी थी, और 15 दिन का तिक्त शीर बस्ती का प्लानिंग हमने पेशेंट के किया था। और नेक्स्ट 3 मंथ्स मतलब 3 मंथ्स का जो ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया था उसमें हमने वो प्लान किया था पेशेंट का। उसके बाद उसकी तिक्त शीर बस्ती दी गई थी पेशेंट को, और उसके बाद जो है पेशेंट को सिर्फ एक महातिक्त घृत और पंचतिक्त घृत गुगुल में 2 महीने के फॉलोअप में रख दिया गया था, क्योंकि पेशेंट को थोड़ा सा रिलीफ आ गया था। और फॉलोअप मेडिसिन तब दी जाती हैं जब पेशेंट को 70-80% रिलीफ हो जाता है, और पेशेंट को क्योंकि एकदम से मेडिसिन बंद नहीं करी जाती हैं, तो फॉलोअप मेडिसिन में उसको महातिक्त घृत और पंचतिक्त घृत गुगुल स्टार्ट किया था। 2 महीना वो लगभग पेशेंट ने लिया था। इसमें देखिए ऑब्जर्वेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। 15 जो स्टार्टिंग के 15 डेज थे, पेशेंट को उन फर्स्ट फॉलोअप में इमीडिएट रिलीफ मिल गया था ब्लीडिंग और पस में, उसके स्टूल में। मतलब 15 दिन में सिर्फ 1 या 2 दिन ही उसको ब्लीडिंग और पस रहा था। सपोजिटरीज जो साल से पूरे साल भर से डेली एक सपोजिटरी यूज करता था 15 दिन के फर्स्ट फॉलोअप में उसने सिर्फ 4 बार सुपोजिटरी यूज़ करी थी। मतलब उसका जो मोशन था वो नेचुरली पास हो रहा था और बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के हो रहा था। नेक्स्ट 15 डेज में उसका सपोजिटरी का यूज़ जो है पूरा ही बंद हो गया था। ये आप बिलीव आप करना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट जो है एक साल से देखिए सपोजिटरी यूज़ कर रहा है मोशन के लिए। विद इन 30 डेज पेशेंट का सपोजिटरी यूज़ 100% बंद हो गया था। मतलब पेशेंट को मोशन के लिए बिल्कुल भी सपोजिटरी वगैरह का यूज उसने छोड़ दिया था। 80% रिलीव हो गया था उसको फर्स्ट 30 डेज में। धीरे धीरे जैसे ट्रीटमेंट बढ़ता गया तो पेशेंट का इम्प्रूवमेंट आता गया, और 3-1 महीने में थोड़ा सा पेशेंट का कॉन्फिडेंस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की तरफ जब बढ़ गया तो पेशेंट को फिर हमने पंचकर्मा के लिए सजेस्ट किया, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी रिलीफ मिल चुका था उसको। तो तिक्त शीर बस्ती के पेशेंट ने अपनी हामी भरी, उसके बाद हमने उसका तिक्त शीर बस्ती किया पेशेंट का। जैसे ही हमने पंचकर्मा किया, क्योंकि उसको ट्रीटमेंट से रिलीफ तो था लेकिन पंचकर्मा के बाद से उसका जो मोशन था उसकी कंसिस्टेंसी और कलर चेंज हो गया। मतलब जो उसका मल है वो प्राकृत होने लगा। और जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि अन्न व स्रोतस की व्याधि है, अन्न और मल की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसे रिकवर करेगी या कंडीशन कैसे जो है रिकवर करेगी या वहाँ से वो खराब होगी। तो बस्ती की वजह से पेशेंट के जो मल है उसके गुणों में भी वृद्धि हुई, या फिर उसको कह लीजिए आप वो प्राकृत होता गया, और पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला। और 6 मंथ के टोटल लगभग 6 महीना पेशेंट का ट्रीटमेंट चला और पेशेंट कम्प्लीटली स्टेबल हो गया था। क्योंकि हमारी ये पॉलिसी रहती है कि पेशेंट को फॉलोअप लिया जाता है कुछ टाइम बाद कि रिकरेंस हुआ नहीं हुआ। 2 साल का पीरियड अभी हो चुका है और पेशेंट को कोई भी रिकरेंस नहीं है, पेशेंट ने किसी भी तरह की मेडिकेशन इसके लिए नहीं ले रखी है। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से देखिए पेशेंट किस तरह से रिकवर कर सकता है। आप अल्सरेटिव कोलाइटिस को ट्रीट कर सकते हैं। डायग्नोसिस जब आपके पास पेशेंट लेके आता है तो आप नाम देख के आपको डरना नहीं है उससे, ठीक है। पेशेंट की डायग्नोसिस आप पेशेंट साइड रख लीजिए, आप पहले अपने रोगी की परीक्षा करिए, उसको अपने ढांचे में ढालिए। मतलब आयुर्वेद में पेशेंट के जो सिम्टम्स है वो कहाँ कहाँ पे आए हैं वो एक जगह आप नोट बनाइए, उसमें मेंशन करिए,
उसके बाद फिर पेशेंट की चिकित्सा करिए। अगर आपका निदान आयुर्वेदिक है और निदान ठीक है, देखिए ये जो निदान की प्रक्रिया है ये एक दिन में नहीं आती है, इसको आपको पहले तो गुरु से सीखना पड़ता है, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस में धीरे 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 करके जैसे आप इसमें परफेक्शन लाते जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप प्रॉपरली डायग्नोस करने लगते हैं। तो आपका डायग्नोसिस अगर प्रॉपर है तो उस पर आप ट्रीटमेंट उसको पिन पॉइंट पेशेंट को देंगे, ट्रीटमेंट पिन पॉइंट रहेगा तो रिजल्ट जो है विद इन 15 डेज आएंगे। आयुर्वेद चिकित्सा में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आयुर्वेद का रिजल्ट जो है बहुत देर से आता है, लेकिन शायद ही किसी को पता हो कि आचार्य वाग्भट ने ये श्लोक दिया है कि एक अहोरात्र में यानी स्टार्टिंग के 15 डेज में आपके ट्रीटमेंट का असर कहीं ना कहीं आना ही चाहिए, भले ही पेशेंट कितना क्रोनिक क्यों ना हो। और अगर आपका 15 दिन में असर नहीं आ रहा है इसका मतलब कि आपका निदान गलत है, आपकी चिकित्सा गलत है। तो ये बिल्कुल ही गलत पॉइंट है कि आयुर्वेद चिकित्सा में समय लगता है या उसके रिजल्ट में टाइम लगता है। कोई भी चिकित्सा अगर इस चीज़ को अपने पेशेंट को काउंसलिंग करने के लिए यूज़ कर रहा है तो उसको इसमें सुधार लाना चाहिए, अपना उसको वाचन बढ़ाना चाहिए, अपना एक्सपीरियंस बढ़ाना चाहिए ताकि ये गलती दोबारा ना हो। अब थोड़ा सा मैं आपको कुछ एक प्रोडक्ट्स इनके लॉन्च हुए हैं डाबर के, तो क्योंकि मैं क्लासिकल प्रैक्टिस करता हूँ इसलिए क्लासिकल प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे थोड़ा सा यूनिक लगे हैं। इसमें इनका तिक्तादि क्वाथ लॉन्च हुआ है, बेसिकली ये पित्तज कुष्ठ में या पित्तज अवस्थाओं में ये बेनिफिशियल है। अग्निकर्म क्योंकि ये एक तिक्त प्रधान द्रव्य है, द्रव्यों से मतलब बना हुआ है, तो तिक्त रस जो है अग्नि का दीपन करता है, इसकी वजह से इसका जो मुख्य कार्य है वो अग्नि दीपन है। और अदर जो इसके दूसरे जो कार्य है उसमें रक्त दुष्टि को ये करेक्ट करता है, और ये त्वचा विकारों में जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्लेधर इसका गुण है, पित्त जो है थोड़ा सा तिक्त रस जो है रूक्ष रहता है, जो उसका पंचभौतिक संगठन है तिक्त जो है वो रूक्ष रहता है, उसकी वजह से क्या रहता है कि रूक्ष गुण की वजह से ये द्रव धातु या क्लेद का शोषण करता है। तो इस वजह से ये जो इनका क्वाथ है ये आपका क्लेधर भी एक्शन इसका बहुत बढ़िया है। इसका इसके इंडिकेशन में स्किन डिजीज है, एप्सेस है, स्वेलिंग है, अर्श है, ब्लीडिंग है, और डोसेज जिसमें वही जो हमारे आशा वरिष्ठ की रहती है, क्योंकि ये प्रवाही क्वाथ है तो 1-2 चम्मच दिन में 2 बार पानी के साथ मिला के इसको देना चाहिए। एक नया और कॉम्बिनेशन डाबर ने लॉन्च किया है, दशमूल जीरिका रिष्ट या दशमूल जीरिकम। ये बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि देखिए दशमूला रिष्ट और जीरिका रिष्ट दोनों ही स्त्री रोग में यूज करने वाले द्रव्य हैं। किसी किसी कंडीशन में एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जब हमको दोनों यूज करने का कंडीशन रहती है वहाँ पे, तो अलग अलग पेशेंट को देने से अच्छा है अगर कोई ऐसा फॉर्मुलेशन अवेलेबल हो तो वो हम यूज करें। तो उसमें दशमूल जीरिकम डाबर का आता है, दशमूल अरिष्ट क्योंकि मुख्यली ये मोस्टली जो है वात विकार में काम करता है, क्योंकि देखिए स्त्री रोग जो है उसका बेसिक जो दोष है वो वात दोष रहता है, इस वजह से दशमूल अरिष्ट वहाँ पे काम करता है। साथ में जो जीरिकारिष्ट है, जीरिकारिष्ट जो है स्त्री रोग में या प्रसूता अवस्था में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, इस वजह से जो कॉम्बिनेशन है ये काफी यूनिक है इनका। इसमें कंटेंट्स वगैरह इसमें जो है वो बेसिक कंटेंट्स क्या क्या है वो उसमें बताए गए हैं। इसमें देखिए जीरक है, अश्वगंधा है, शतावरी है, रासना है, विदारीकंद है, ये सभी जो द्रव्य हैं ये बल्य रहते हैं, और गर्भाशय इसका जो कार्य क्षेत्र है गर्भाशय है, तो बल्य गर्भाशय कार्य क्षेत्र, साथ में वात दुष्टि को नष्ट करने के लिए जो कोई भी अगर कंडीशन आपकी प्रैक्टिस में आती है तो आप उसमें ये दशमूल जीरिकम यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इफेक्टिव कल्प है, यूनिक कल्प है, तो एक बार यूज करने में कोई हर्ज नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच
डॉक्टर राहुल, बहुत ही बेहतरीन लेक्चर और प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट जो एक डिजीज के लिए जिसके लिए हम लोग काफ़ी परेशान होते हैं पेशेंट, तो उस बारे में जो आपने एक बेहतरीन जानकारी दी और अपना अनुभव साझा किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ लोगों के क्वेश्चन आंसर से मैं उनको वन बाय वन लूंगा, और उससे पहले कुछ लोगों ने अपने हैंड रेस करके मैं उन्हें वन बाय वन अनम्यूट कर रहा हूँ। प्लीज़ आपके अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछें। मानिशी कुलकर्णी जी बोलने, डॉक्टर मानिशी कुलकर्णी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैम, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ बोलिए बताएं। डॉक्टर मानिशी हेलो, सो उससे पहले डॉक्टर सचिन कुमार जानना चाहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस इन आयुर्वेदा, जो आपने काफी बेहतरीन ढंग से डिस्क्राइब कर दिया है, सो आई डोंट थिंक उन्हें इस चीज के लिए बताएं। डॉक्टर हरप्रीत सिंह मंदेसा जी का क्वेश्चन है कि हरितकी को बॉइल करके चूसने को दे सकते हैं। देखिए हरित की जो है उसको पथ्या बोला गया है, मतलब पथ्य रहती है, यानी किसी भी कंडीशन में वो रोगी को पथ्य रहती है, तो हरित की का यूज़ कर सकते हैं, नुकसान कोई नहीं है, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आपका निदान जो है पिन पॉइंट होना चाहिए, तभी पेशेंट को रिलीफ मिलेगा और तभी पेशेंट का आयुर्वेद के प्रति फेथ बढ़ेगा। तो हरित की यूज़ करने को आप वातानुलोमन के लिए दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक हरित की से अल्सरेटिव कोलाइटिस में इम्प्रूवमेंट मिलेगा ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, तो दूसरे दवाइयों के कॉम्बिनेशन में आपको यूज करना पड़ेगा। श्योर श्योर। एक हमारे डॉक्टर्स का है क्वेश्चन, हाउ मच पॉसिबिलिटी ऑफ कार्डियक डिजीज इन अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट्स, वो जानना चाह रहे हैं कितनी पॉसिबिलिटी है अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट में कार्डियक डिजीज होने की। इसमें देखिए हेतु पे डिपेंड करता है, अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे मैंने बताया आपको पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, पेशेंट मेंटल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा पेशेंट से एसोसिएटेड हैं, क्योंकि हृदय जो है मन का स्थान बताया गया है, ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग पॉइंट है, मन को बुद्धि या ब्रेन में नहीं बताया गया है, मन को हृदय में बताया गया है, तो हृदय की कंडीशन या मन की कंडीशन अगर प्रॉपर ना हो पेशेंट की, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, तो हृदय रोग देखने को मिल सकता है पेशेंट में। अब इसमें क्योंकि ये आयुर्वेदिक संप्राप्ति के अनुसार मैंने आपको बताया है, तो इसमें रिसर्च होना बाकी है, तो परसेंटेज में तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कुछ एक फैक्टर उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो हृदय रोग भी पेशेंट को देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे डॉक्टर्स का, वो जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। स्ट्रेस में देखिए सबसे पहला जो है पेशेंट के जो फैक्टर्स हैं उसको आपको मतलब चेंज करना पड़ेगा, जो आप स्ट्रेस किस वजह से पेशेंट को वो थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, जो आपके हाथ में है आप वो कर सकते हैं, जो आपके हाथ में है वो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस रिलीज करने के अलग अलग तरीके हैं, अगर यंग स्टूडेंट है तो म्यूजिक सुन सकता है वो, अगर ओल्ड एज पेशेंट है तो वो मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं, सत्संग वगैरह सुन सकते हैं, अलग अलग उसमें तरीके हैं। पेशेंट आपके पास अगर आता है तो आप शिरोधारा वगैरह पेशेंट की कर सकते हैं, तो जी वो टोटल डिपेंड है चॉइस ऑफ व्हाट टाइप ऑफ ये थिंकिंग उसके डिपेंड करता है कि किस टाइप को उसके चॉइसेस है और कौन सी चीज़ें वो जानना चाहता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, डॉक्टर हरप्रीत सिंह का ही है, ये जानना चाह रहे हैं कि सर ब्लीडिंग अल्सरेटिव कोलाइटिस में वासा घृत का भी यूज कर सकते हैं। वासा बिल्कुल, वासा घृत का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वासा मैंने आपको बताया वासा बहुत ज्यादा इफेक्टिव द्रव्य है, और साथ में घृत कल्प जो है पित्त का शमन करता है, इस वजह से वासा घृत भी वहां पे इफेक्टिव रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी डॉक्टर प्रीत का ही है, वज्रासन भी, क्या वज्रासन करवा सकते हैं इन केस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। हाँ, वज्रासन से देखिए क्या रहता है कि जो भोजन करने के बाद वज्रासन का वर्णन आया है आयुर्वेद में, वज्रासन से क्या है थोड़ा सा जो पाचन है वो सम्यक होता है, कोई भी चीज पाचन को सम्यक बना रही है तो अग्नि की वृद्धि कर रही है, और कहीं ना कहीं वो उसका इम्पैक्ट जो है जरूर अल्सरेटिव कोलाइटिस में मिलेगा। एक और हमारे एनएमएस अटेंडी से हमने पूछा है कि मोचरस प्लस तिक्त शीर की मात्रा बस्ती दे सकते हैं क्या। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो मैंने आपको देखिए पिच्छा बस्ती बताई है उसका रेफरेंस भी मैंने स्लाइड में शेयर किया है,
वो आप देख लीजिएगा, उसमें एक कंटेंट उसका मोचरस भी है, कन्वर्ट कवर हो जाता है। एक और हमारे डॉक्टर जानना चाहते हैं कि मेनली कितने डोज ही रिस्पॉन्सिबल होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए? पित्त दोष, देखिए अल्सरेटिव कोलाइटिस कंडीशन को, क्योंकि उसमें पहला टर्म है अल्सर, अल्सर का मतलब है व्रण, और व्रण तब बनता है जब कोई ना कोई उसमें पाक की कंडीशन या कोई ना कोई उसमें जो पुय उत्पत्ति या व्रण या पाक, ये पित्त दोष से रिलेशन में रहता है। और पित्त जो है बेसिकली जो अल्सर की हीलिंग है उसको होने से रोक देता है। तो क्योंकि पित्त दोष जो है बहुत ज्यादा दाहक दोष होता है या बहुत ज्यादा एक्यूट कंडीशन कर सकता है, इस वजह से पित्त को नेग्लेक्ट करके अल्सरेटिव कोलाइटिस का हम निदान नहीं कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं आपके पित्त दोष में प्रमुख रहता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर नीतू अग्रवाल जी का, वो जानना चाह रही है गंधक रसायन महामज्जास्त्र आदि क्वाथ पंचतीर्थ घृत कुल्लू कैन बी गिवन इन ऑल कंडीशन ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस इफ पेशेंट इज हाँ, इसमें देखिए ये तीनों ही मेडिसिन, देखिए गंधक रसायन थोड़ा सा पित्त लक्षण ज्यादा मिल रहे हो तो वहाँ यूज कर सकते हैं, महामंजिष्ठादि क्वाथ जो है हर एक पेशेंट में बेनिफिशियल रहेगा, और पंचतिक्त घृत बुलबुल थोड़ा सा अस्थि मज्जागत वात की कंडीशन में आया है, तो थोड़ा सा अगर ये पेशेंट बहुत ज्यादा क्रोनिक हो या फिर पेशेंट को फॉलोअप डोज के लिए आप ये यूज कर सकते हैं पेशेंट को। या एग्जैक्टली। डॉक्टर अमित तिवारी आप अनम्यूट हैं, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछें। डॉक्टर तिवारी आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यूजर के द्वारा, कार्डियक डिजीज के साथ कोलाइटिस का क्या ट्रीटमेंट होगा? ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसमें। इसमें देखिए बेसिक जो है रूट कॉज जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उसके बाद वो उपद्रव स्वरूप में कार्डियक डिजीज या हृदय विकार रहता है, तो बेसिक ट्रीटमेंट आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस का यूज करना पड़ेगा। साथ में उसमें हृदय में जिस तरह की संप्राप्ति निर्माण उस पेशेंट में हुई उसके अकॉर्डिंग में आप कल्प यूज कर सकते हैं, जैसे आप अगर कफज संप्राप्ति है तो आप उसमें आपका आसावरिष्ठ अर्जुनारिष्ट वगैरह यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा वातिक संप्राप्ति है तो उसमें बृहतवाद चिंतामणि रस वगैरह डाबर का आता है वो यूज कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करेगा। लेकिन मेन ट्रीटमेंट आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस का करना है, साथ में आपको एक हृदय का भी कल्प उसमें डालना जरूर पड़ेगा क्योंकि संप्राप्ति वहां तक पहुंच चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर धनेंद्र जौली जी का, वो जानना चाहते हैं क्रॉन्स डिजीज इन रिस्पेक्ट ऑफ आयुर्वेदा देन व्हाट इज द निदान फॉर पर्टिकुलर क्रॉन्स डिजीज। देखिए क्योंकि टॉपिक मेरा अल्सरेटिव कोलाइटिस का था, क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस दोनों एक ही तरीके की कंडीशन है, सिर्फ उसका क्लासिफिकेशन अलग अलग मॉडर्न साइंस में हुआ है, तो इसी स्लाइड को आप क्रोन्स डिजीज भी मान के चल सकते हैं क्योंकि उसमें एक्चुअली थोड़ा सा दूसरा पोर्शन ऑफ इंटेस्टाइन इफेक्ट रहता है, ठीक है, तो कोलोन पोर्शन ज्यादा उसमें इफेक्ट रहता है क्रोन्स डिजीज में, और रेक्टम इसमें इफेक्ट रहता है, लेकिन दोनों एक ही कंडीशन रहती है आयुर्वेद के प्रोस्पेक्ट से, तो ये चिकित्सा आप क्रोन्स डिजीज के पेशेंट में ये निदान वगैरह चिकित्सा वगैरह उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो उसमें देखिए थोड़ा सा कुछ एक जो मैंने आपको बाकी के फैक्टर्स है वो करेक्ट करते हैं तो कुछ एक हद तक उसमें कंट्रोल लाया जा सकता है, लेकिन अगर नाइट शिफ्ट जॉब नहीं है, कोई मजबूरी पेशेंट की नहीं है, तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है आपको, क्योंकि पेशेंट अगर फॉलो करेगा तभी आपको यश मिलेगा, पेशेंट फॉलो नहीं करेगा तो अपयश भी आप ही को मिलेगा, तो उसमें कुछ एक स्ट्रिक्टली पेशेंट को बोलना है कि आपको ये नहीं करना है तो ये नहीं करना है। और भी किसी अगर पार्टिसिपेंट का अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज वो अपना हैंड रेस करें या क्वेश्चन टाइप करें, और जिन लोगों का हैंड रेस किया था मैंने उन्हें अनम्यूट कर रखा है, अगर वो वन बाय वन क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं प्लीज।
सुलेमान बेहल जी, इफ यू हैविंग एनी क्वेश्चन देन प्लीज। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था कि ये और वीडियो कहाँ से अवेलेबल हो जाएगा, तो उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा आफ्टर दैट इस टोटल सेशन की, तो आप लोग उसको आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप ये लिंक शेयर भी कर सकते हैं और देख दोबारा देख भी सकते हैं। सो उसके लिए आप चिंता ना करें, ये हम आपको जल्दी ही अवेलेबल करवा देंगे। सो आई थिंक सभी के क्वेश्चन हो चुके हैं और कोई नए क्वेश्चन नहीं है। सो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, थैंक यू सो मच। और इतना अच्छा सेशन, आई डोंट थिंक फॉर ए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दिस पर्टिकुलर डिजीज ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, उसको इतने अच्छे ढंग से समझाना और एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो आयुर्वेदा का लेके चलना, नॉट ओनली बाय द मॉडर्न क्राइटेरिया कुछ भी लेके, जबकि जो आयुर्वेदा क्राइटेरिया है उसे लेके जाना। सो जो न्यू यूनिक सी चीज़ है लाइक कार्डियक डिजीज का कोरिलेशन होना और स्किन डिसऑर्डर्स का कोरिलेशन होना विद अल्सरेटिव कोलाइटिस बिकॉज ऑफ द पित्तज व्याधि, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और ये काफ़ी बेनिफिशियल था और काफ़ी नॉलेजेबल सेशन रहा आज का। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर आपका, आपने इस सेशन में पार्टिसिपेट किया और हम लोगों के बीच अपने अनुभव को साझा किया, उसके लिए मैं डॉक्टर परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ ही सारे पार्टिसिपेंट्स का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन लोगों ने इस सेशन में पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच। धन्यवाद जी, थैंक यू।